आपकी जो बुक बिजनेस लॉ चल रही है उसमें 6वां टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें हम दो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सबसे पहले बात करते हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो पर्सन होते हैं, बेलर जिसको हम लोग ऑनर बोल सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा जो पर्सन होगा वो होता है बेली, ऐसा बोल सकते हैं, यूजर ऑफ गुड्स। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो दो पर्सन के बीच में होगा उसमें हमेशा गुड्स ट्रांसफर होती हैं दूसरे पर्सन को ओनली फॉर दी यूज। आफ्टर द टाइम पीरियड एक्सपायरी द यूजर रिटर्न गुड्स टू दी बेलर। मैं एग्जांपल बोलूं कि कोई भी ऐसी एसेट्स जो नॉर्मल बंदे नहीं खरीदते हैं, जैसे एग्जांपल बोलूं मेरे पास मेरी ज़मीन है, मैंने आपको ठेके पे दे दी, जो आपको यूज़ करने के लिए दे दी, उसमें फिक्स सैलरी भी हो सकती है या हो सकता है कि विदाउट ग्रेजुएशन, मैं से बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन बेलमेंट अकाउंट बोलते हैं, ग्रेजुएटिस बेलमेंट अकाउंट। उसमें होता है कि हम लोग एज ए गिफ्ट आपको यूज करने के लिए दे देते हैं। जैसे आपको, मैंने दोस्त मेरा आया, वो बोला मेरे कार चाहिए 2 दिन के लिए, मैंने बोला नहीं जा भाई, उसका कोई किराया नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, 2 दिन बाद आप मेरे को वापस दे जाओगे। लेकिन आप इस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बोल सकते आपने मुझे 2 दिन के लिए कार दी और कार मेरी हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स का डिलीवर होना जरूरी है, ओनरशिप डिलीवर नहीं होती, सिर्फ पोसेशन डिलीवर होती है। क्या डिलीवर होती है? पोसेशन, समझते हो ना, कब्जा बोल सकते हैं या फिर हक बोल सकते हैं, वो डिलीवर होता है, ओनरशिप डिलीवर नहीं होती है। ओनरशिप हमेशा किसकी रहती है? बेलर की ही रहती है। बेलर जब मर्जी चाहे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई जो हमारी कंडीशन लिखी गई है उसमें गड़बड़ी करते हो तो कभी भी अपनी गुड्स को वापस ले सकता है। अदरवाइज जब गुड्स ट्रांसफर होती हैं तो जब टाइम पीरियड खत्म होगा तो गुड्स की डिलीवरी वापस ओनर के पास हो जाती है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल आपके पास दी हुई है, अंकिता डिलीवर हर वेडिंग लहंगा टू द चोपड़ा ड्राई क्लीनर्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। कोई अंकिता लड़की है भाई, अपनी शादी के लिए अपना शादी का लहंगा ड्राई क्लीन करने के लिए चोपड़ा कंपनी के पास भेजती है। अब चोपड़ा कंपनी क्या करेगी, जब ड्राई क्लीन हो जाएगी तो लहंगा वापस कर देगी। चोपड़ा कंपनी ये नहीं बोल सकती आपका लहंगा आया था, मेरी घरवाली को पसंद आ गया, अभी उसने रख लिया। वहाँ पे मारधाड़ हो सकती है, केस भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? बेलमेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट में लहंगा ड्राई क्लीन हो गया तो वापस अंकिता के पास आएगा। दीपू डिलीवर हिज फॉसिल रिस्ट टू वॉच द कपिल्स शॉप फॉर रिपेयर। दीपू ने अपनी फॉसिल कंपनी है उसके अपनी रिस्ट वॉच, मतलब घड़ी जो है हाथ वाली, कंपनी को रिपेयर करने के लिए दी है। कंपनी क्या करेगी? रिपेयर करने के बाद गुड्स वापस करेगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ रेमोनरेशन ऐड होते हैं, कई बार कुछ रेमोनरेशन नहीं भी ऐड होते हैं, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने किसी को रिपेयर करने के लिए दी गाड़ी तो रिपेयर में कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? ओनर मैं हूँ, अपनी गाड़ी बंदे को दी है, लेकिन वो रिपेयर कब करेगा? जब मैं उसको रिपेयर के पैसे दूंगा। अगर रिपेयर के पैसे देने पड़ते हैं तो मुझे देने पड़ेंगे, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरी गाड़ी फिर रख सकता है। अगर मुझे पैसे देने हैं मैं पैसे दे दूंगा, अगर गाड़ी वापस नहीं कर रहा तो फिर हम लोग केस लगा सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? देखिए, फ्रॉम दी अबाउट काफ़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जाम्पल वो लिख सकते हैं। रेशमा डिलीवर 5 मीटर सिल्क फैब्रिक टू दी टेलर फॉर स्टिचिंग। रेशमा ने 5 मीटर जो अपना कपड़ा सिलाई के लिए कोई टेलर को दे दी है, वो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का है। डिलीवर सम गुड्स गोल्ड बिस्किट टू बी ए ज्वेलर फॉर मेकिंग ज्वेलरी। हमारे पास कोई गोल्ड बिस्किट था, हमने ज्वेलर को दे दिया कि इसकी ज्वेलरी बना दो, वो बंदा ज्वेलरी बनाएगा, ये नहीं कि बिस्कुट घर में जाकर चाय में डुबो के खा जाएगा, खा नहीं सकता वो, क्योंकि गोल्ड का वैसे ही नहीं खा पाएंगे, कोई डॉक्टर के पास जाके निकलवाना ही पड़ेगा अगर बाई द वे खा लिया। उसके बाद इन्होंने लिखे, फ्रॉम दी अबव डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें करेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले डिलीवरी ऑफ पोसेशन, सिर्फ जो आपका हक है वो डिलीवर होगा, ओनरशिप डिलीवर नहीं होती। दूसरा उन्होंने बोला कि डिलीवरी अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट में जो डिलीवरी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, ऐसा नहीं अपनी मनमर्जी से कुछ भी, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, आपने ऐसे किसी बंदे को सामान भेज दिया, उसको गवर्नमेंट नहीं मानती है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी आप गुड्स डिलीवर करेंगे, अदरवाइज गुड्स डिलीवर मत कीजिए। डिलीवरी मस्ट बी फॉर सम पर्पज, और ये भी है कि जो भी चीज़ आप किसी बंदे को दे रहे हैं, कोई ज़मीन बरतने को दे रहे हैं, कोई अपना घर का सामान बरतने को दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं जिसमें आपको कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो किसी ना किसी मकसद के लिए होनी चाहिए।
अब ऐसे नहीं बोल सकते किसी बंदे को कोई बार नहीं पहली चीज ले जा आप कहीं पे यूज करने। अभी तो मतलब मेरे पास मेरा घोड़ा है हॉर्स में जाता है, सॉरी हॉर्स राइडिंग में जाता है, मतलब शर्त वगैरह लगती है। कोई बंदा आके मुझे बोले मुझे घोड़ा दे दे मुझे घर में खड़ा करना है, तो मेरे घर में ही खड़ा रहने भाई, तेरे घर में क्या करेगा ना भाई, तो हम उसको नहीं दे सकते, उसको कॉन्ट्रैक्ट और बेलमैन नहीं मानते। अगर आप उसको यूज करने के लिए लेके जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा गुड्स का रिटर्नमेंट होना जरूरी है, आप गुड्स अपने पास नहीं रख सकते। काइंड्स ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट टू द पार्टीज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन देखते हैं, जिसमें कोई ना कोई सैलरी या कोई ना कोई मुआवजा दिया होता है, जिसमें पैसे का लेन देन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार का, सबसे पहले ग्रेचुटिस बेलमेंट, ग्रेचुटिस बेलमेंट में होता है जिसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। हम लोग किसी बंदे को ऐसे ही कोई चीज़ यूज करने के लिए दे दें और बंदा हमें वापस कर दे। एग्जाम्पल, वेन बेलमेंट इज मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द बेनिफिट टू द बेलर और बेली, इट इज रेफर टू द ग्रेचुअस बेलमेंट। इन सिंपल टर्म्स हम बोले कि जिसमें कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं होती। एग्जाम्पल ये हुई है कि वेन वन लेंड्स ए बुक टू द फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपने दोस्त को अपनी कोई बुक जो है यूज करने के लिए दे दें, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो बंदा यूज करेगा आपको दे देगा। मान लो आपका कोई एग्जाम है पिछले सेमेस्टर का, रह गया आपको बुक चाहिए, आपने तो सेंटर में जमा कर दी। अगर कोई आपका फ्रेंड पुराने पिछले सेमेस्टर में पढ़ रहा है, जब अब भी पढ़ के बैठा है, उसने बुक जमा करनी है, आपने उससे ले ली, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि गुड्स मेरी हो गई, ये बुक मेरी है, मेरे मैंने आपसे ले ली। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा आपको बुक वापस करनी पड़ेगी, मतलब उसके कोई पैसे आप नहीं देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेचुटिस बेलमेंट। कभी ऐसा कंडीशन हुआ किसी का सामान लिया है और आपने अपने पास रख लिया, वापस करना ही पड़ता है। एक आता है नॉन ग्रेचुटिस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुटिस बेलमेंट क्या होता है, जिसमें बदले में कुछ ना कुछ जरूर जाता है, आपको कोई ना कोई पैसे देने ही पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बिना पैसे हम किसी बंदे को कोई सामान ले आएंगे। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या बोलते हैं भी, वेन समवन गेट्स ए बुक इशूड फ्रॉम ए लाइब्रेरी इन एक्सचेंज फॉर फी, आप अपने दोस्त से किताब ले रहे हैं कोई पैसे नहीं देने पड़े। अगर लाइब्रेरी से कोई बुक्स लेके आ रहे हैं उसकी जो फीस बनती है जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 1 दिन की, 2 दिन की, तो आपको वो देनी पड़ेगी। जब आप वापस करने जाएंगे तो आपको ये नहीं कि आपके पैसे वापस कर देगा, लेकिन वो बुक्स आपको वापस करनी पड़ेगी जो टाइम पीरियड आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है। पॉइंट क्लियर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द पार्टीज। जब कहता दोनों पार्टीज के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जब उनको बेनिफिट नजर आता है, कई बार एक पार्टी का बेनिफिट भी हो सकता है, कई बार दोनों पार्टी का भी हो सकता है। सबसे पहले उनके फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, सिर्फ बेलर का ही बेनिफिट होना है, मतलब कि ओनर का। तो एग्जाम्पल बताया उन्होंने, बेलर डिलीवर ए गुड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड बोरिंग आवर कार फॉर ए वीक। बेलर ने क्या किया है, अपनी कार को जो है अपने फ्रेंड को दे दिया एक हफ्ते के लिए, और वो क्या कर रहा है, उससे रेंट ले रहा है उसका। तो इसमें बेनिफिट किसका हो गया, बेलर का ही हुआ है, कि उसने किराए पे रेंट दे अपनी कार जो है किराए पे दे दी, कार भी उसी की रहनी है, उसका किराया भी ले रहा है, घर में खड़ी थी, फ्री खड़ी थी, उसका कोई पैसा बेनिफिट नहीं हो रहा था, सिर्फ वन साइड बेनिफिट हुआ किसका हुआ, ओनर का। अभी एग्जाम्पल आएगी ऑन दी म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ देम बोथ, दोनों का बेनिफिट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल गिविंग ए बाइक फॉर रिपेयर टू द मैकेनिक, आप अपनी कार या बाइक जो मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए दे रहे हो, दोनों का बेनिफिट होता है, आपकी गाड़ी ठीक होके आ जाएगी, लेकिन आपको पैसे मैकेनिक को देने पड़ेंगे, उसको बेनिफिट ये होगा गाड़ी ठीक करेगा तो वो पैसे कमा लेगा। पॉइंट क्लियर। चलिए उसके बाद आपके पास हमने पॉइंट कर रहे थे बेलमेंट वाले, काइंड्स ऑफ बेलमेंट पढ़ लिया, उसके बाद ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द बेलर एंड बेली। बेली जो पर्सन यूज करने वाले उसकी ड्यूटीज क्या है और उसके राइट्स क्या है, बेलर उसकी ड्यूटीज क्या है और उसके राइट्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं ड्यूटीज ऑफ ए बेली, सॉरी बेलर, जो ओनर पर्सन है उसकी ड्यूटीज क्या बनती हैं, डिस्क्लोज दी ऑल फैक्ट्स ऑल फॉल्ट इन दी गुड्स। अगर किसी बंदे को गुड्स आप डिलीवर कर रहे हो पहले उसको बंदे बता दो इसमें ये गलतियाँ हैं या कोई नुकसान होने के चांसेस हैं, ताकि बंदा अगर लेके जा रहा है तो बंदा खुद देखे उस चीज़ को, कल को आपके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, आप बिना बोले किसी को कोई चीज़ दे दो उसका नुकसान हो जाए तो आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। उसके एग्जाम्पल लिखा कि पेटर लैंड से हॉर्स, पेटर जो है हॉर्स जो है किराए पे लेता है, विच ही नोज टू बी विक्सिस टू बी ल्यूक, उसको पता है कि ये घोड़ा जो है हमारा कभी भी पागल हो जाता है, किसी बंदे को ऊपर बिठा लेगा तो मुल्ले को पहले बता देगा तो ठीक है, उसकी जिम्मेवारी है, फॉल्ट बता देगा भाई घोड़े को ले जा रहा है, खुद ऊपर मत चढ़ी हो, पैदल ले जाएगा चलता चला जाएगा, खुद ऊपर चढ़ गया तेरे को भगवान के पास पहुंचाएगा नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम तुम्हारी खुद की होगी, हम अपनी गाड़ी फिर आपको मतलब घोड़ा आपको खुद दे रहे हैं। ये कंडीशन पहले ही जरूरी होती है, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। लेबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी एज ए टाइटल, अगर आपको पता है गुड्स आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप फिर भी किसी बंदे से जानबूझ के पैसे रिकवर कर रहे हो,
तो आप क्या करो, उसके ऊपर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपकी जिम्मेवारी, आप उस बंदे को बताओ कि बता के कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना बताए आप कोई काम कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल बोले भाई, हमें कहीं से कोई फ्री का सामान आ गया बांटने के लिए, लोगों को आया, हम लोगों को बांटे नहीं, लेकिन जान बुझकर उनको बोले भाई आपको जरूरी है, मेरे पास आया था, मैं आपको बांटने के लिए दूंगा, लेकिन उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिन बताए आप उन लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हो, कल को ऐसा लग सकता है तो आपके ऊपर जुर्माने हो जाएंगे। टू बियर इन एक्सपेंसिव इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट, अगर आपने किसी बंदे को कोई बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की है, उस बेलमेंट के टाइम पे अगर उसमें कोई नुकसान आ रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपको करने पड़ेंगे, मान लो एग्जाम्पल बोलूँ कि मेरी कोई बिल्डिंग है, मैंने किसी बंदे को किराए पे देनी, अब बिल्डिंग में रहने का किराया लोग देंगे, उसमें कोई रेनोवेशन करनी पड़ जाए, जैसे कि रंग रूम करवाने हैं, वो बंदे खुद नहीं करवाते जिसके घर होते हुए करवाते हैं, तो आपको पता है ना वो एक्सपेंसिव आपको करने हैं, या आपको करने पड़ेंगे, या आपकी ड्यूटीज बनती हैं ओनर की। बहुत सारे केस उन्होंने बनाए हुए, मैं ऐसे ही अपनी तरफ से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, तो आप वही एग्जाम्पल भी पेपर में लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल भी दिए नीचे सारे, थर्ड पॉइंट के बाद आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट नीचे कहीं ध्यान दिया, इफ द बिलर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू रिसीव बैक ऑफ द गुड्स, एक अगर इसमें ड्यूटीज क्या बनती है, बेलर की ड्यूटी है कि अगर आप रिफ्यूज नहीं कर सकते अपने गुड्स को बैक लेने के लिए, टाइम पीरियड खत्म होगा तो आपको गुड्स अपनी वापस लेने ही पड़ेंगी। आप रिफ्यूज नहीं कर सकते बंदे को भी, तू ले ले कि मेरे को बस किराया देता चला जा, मैंने एसेट नहीं यूज करनी है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। टाइम पीरियड खत्म होगा तो आपकी ड्यूटीज, आप अपने गुड्स को वापस अपने पास जरूर लेंगे ही लेंगे। फिफ्थ पॉइंट, इफ इट इज ड्यूटी ऑफ द बिलर टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस, अगर किसी भी प्रकार का कोई लॉस होगा गुड्स का, तो लॉस भी आपको ही सफर करना पड़ेगा, ये बिलर की ड्यूटी है, क्योंकि आपने तो किराया लिया अपनी चीज़ का। मैं एग्जाम्पल हूँ, आपने घर दे दिया किसी को किराए पे, अब उचारण से आपका घर जो गिर गया, तो ड्यूटी किसकी है, वो बंदे की नहीं है जो रह रहा था, अभी उसका तो घर गया, उसका तो पहले नुकसान हो गया, सामान टूट उठ गया, ड्यूटी आपकी बनती है कि जो लॉस हुआ घर टूटने का उसको दोबारा बनाने की ड्यूटी आपकी बनेगी। फिर आती है ड्यूटीज ऑफ ए बेली, बेली कौन होगा जो बंदे के गुड्स को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले शुड बी टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स विच आर इन द पोजेशन, जो गुड्स वो लेके आया उसका प्रॉपर केयर करेगा, क्योंकि वो गुड्स अपनी नहीं है, उसकी एक हक के बेस पे आई है कि यूज़ कर सकता है। बेली शुड नॉट यूज द गुड्स फॉर अनऑथराइज पर्पज, जिस काम के लिए चीज़ को लेके आए हो उसी चीज़ के लिए यूज़ करना है, कुछ बंदे को मिस यूज़ नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल हूँ, आप मेरे से कार ले गए कि हमें एक फैमिली फंक्शन मैरिज पे जाना है, पता लगा आप मेरी कार से रेसिंग कर रहे हो, भाई गाड़ी हम रेस में लगा देते हैं, उसको भगा रहे हो इतना, उसका इंजन जैसे उड़ा दिया, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। बल्कि आप जिस काम के लिए लेके आए उस चीज़ को उसी में यूज़ करेंगे तो बेनिफिट होगा। इफ़ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स द गुड्स बेलर विद द ओन गुड्स, अगर आप अपनी मनमर्जी से अपनी गुड्स को बेलर की गुड्स के साथ मैच कर देते हो, मिक्स कर देते हो, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर मिक्स भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वापस करना है तो ओरिजिनल गुड्स ही बेलर को वापस आएंगी। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने मिक्स कर दिया भाई मुझे पता नहीं लग रहा, मैं अपनी जगह आपको कोई और गुड्स दे देता हूँ, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल नहीं होता। आपकी ड्यूटी है कि ओरिजिनल चीज़ ही वापस जाएगी। बेली मस्ट रिटेन द गुड्स विदाउट वेटिंग द डिमांड फ्रॉम द बेलर, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा आप डिमांड की वेट नहीं करोगे कि बेलर खुद बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मेरी चीज़ वापस कर दो, आप खुद ही उसको वापस करेंगे, ये भी आपकी ड्यूटीज बनती है। या टाइम पीरियड खत्म हो गया आप अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंट्री बेली बाउंड्री रिटर्न एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहता जो भी हमारी लिखी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, अगर उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा करते हो तो बेली को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बेलर को, ये भी उसकी ड्यूटी बनती है। फिर है ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर बाई दा भी किसी बंदे को गुड्स मिल जाए, कहीं से मिल जाती है, हम ऐसे बोलते हैं ना ओनर तो बेलर ही होता है, आप अभी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया लेकिन आपको गुड्स मिल गई है, वैसे कल वाले कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया था फाइंडर ऑफ गुड्स, फिर दोबारा आया है। सबसे पहले टेकर ऑफ गुड्स रिटेन, अगर आपको कहीं से कोई गुड्स मिली हैं बाहर से आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसकी टेकर कीजिए। नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, अब गुड्स का पता है कि इसको गलत यूज़ नहीं कर सकते, कल को कोई बंदा आ गया तो यूज़ मांगेगा ही मांगेगा, तो आप उसको अनऑथराइज यूज़ भी नहीं कर सकते, आप प्रॉपर यूज़ कीजिए। जिसके लिए मान लो आपको फ़ोन मिल गया, आप फ़ोन को यूज़ कर लीजिए, चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिला है, कल को बंदा मिलेगा तो उसको वापस करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि फ़ोन से कोई भी नया सिम डाल के लोगों को धमकियाँ दे रहे हो, किसी को भड़का रहे हो, दंगे करा रहे हो कुछ भी, तो कल के आपके ऊपर केस हो सकता है। नॉट टू मिक्स बेलर गुड्स विद विद ओन, अपनी गुड्स के साथ उस चीज़ को मिक्स मत कीजिए, कल को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। रिटर्न द गुड्स बेलमेंट विदाउट डिमांड, आप बिना डिमांड के गुड्स आपको वापस करनी होगी, ये भी किसी भी बंदे की जिम्मेवारी बनती है। रिटर्न एनी अनसर्टेन गुड बेल्स, जो भी गुड्स आपको मिली थी उसके लिए आप कहता कोई चीज़ मांग भी नहीं सकते किसी बंदे से, कोई आप बोलोगे मैंने आपके गुड्स मेरे को फाइंड हुई है तब भी वापस करूँगा, मुझे कोई पैसे दोगे। एग्जाम्पल मैं आपको फ़ोन मिल गया, फ़ोन कोई बंदा वापस मांग लेने आ गया उसका ऑनर, आप उसको ये नहीं बोल सकते पहले मुझे कोई गिफ्ट दे भाई तभी तेरा फ़ोन वापस करूँगा, वो आपके दो तीन थप्पड़ लगा दे बात अलग है, भाई ये गिफ्ट ले ले भाई, लेकिन आप उसको पैसे नहीं बोल सकते।
क्योंकि आपको यूज करना, इतना टाइम आपने यूज कर लिया और किसने क्या मांगते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में है, गवर्नमेंट भी यही चीज बोलती है, जिसकी गुड्स है वही ओनर रहेगा, उतना टाइम आपके पास सही है। अगर वो बंदा खुद आपको कोई चीज दे दे बात अलग है, लेकिन आप खुद डिमांड नहीं कर सकते। नोट टू क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ द बेलर, आप किसी बंदर को, आपको पता भी है भी ओनर है, लेकिन आप उसको क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते भी साबित कर तो ओनर है, जबकि उसके पास तो सारे प्रूफ है। अब और क्या साबित करेगा भाई, वो कहीं अपने दादा परदादा थोड़े लिखा के लाएगा जो अपने भगवान के पास चले गए, भी हमारी गुड़सी हमारी जायदाद थी हमारे बच्चों के पास है, ये चीज नहीं होती। फिर आते हैं राइट्स ऑफ बेली, जिस बंदे ने गुड्स यूज करने हैं उसके राइट्स भी होते हैं। सबसे पहले राइट द डिलीवर ऑफ गुड्स टू एनी ऑफ द ज्वाइंट बेलर्स, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइंट बेलमेंट में हुआ है, एक से ज्यादा बंदे यूज करने वाले हैं, तो आपके पास राइट्स होता है कि आप यूज कर लो, कभी उस पर्सन को दे कभी उस पर्सन को दे दिया, ये आपके पास राइट्स होगा। उसके बाद राइट टू अडमिनिटी, अगर आपके जिस बंदे से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस बंदे ने आपको कुछ बताया नहीं, गुड्स में फॉल्ट थे, आपका नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई आप बेलर से करवा सकते हैं। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, कोई गुड्स गलत निकली हैं, जो चीज़ आपने मंगाई थी वो मिली नहीं, आपका नुकसान हुआ, तो वो भी भरपाई आप ओनर से करवा सकते हैं। राइट टू क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव, कुछ ज़्यादा खर्चे आपको करने पड़ गए, ओनर ने बोला था कुछ भी ज़्यादा खर्चे नहीं, लेकिन खर्चे उम्मीद से भी ज़्यादा हो गए, तो भी आप उसको बोल सकते हैं भाई आपने गुड्स बोली थी बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं होते, लेकिन हमारे खर्चे ज़्यादा हुए हैं, तो आप वो खर्चे भी ओनर से ले सकते हैं। राइट्स टू अप्लाई टू कोर्ट डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, आप कोर्ट में अप्लाई भी कर सकते हैं गुड्स का जो टाइटल है, एक्चुअल में कोई बंदा ओनर को आपको पता ही नहीं था, कोई बंदा आके बोलने लग जाए, तो आप केस कर सकते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तो किसी और के साथ किया था, लेकिन ये ओनर बाद में कोई और निकला, हमें हम केस लगाएंगे उस चीज़ पे। राइट टू पार्टिकुलर लाइन ऑफ पेमेंट्स, जब आप किसी बंदे को पेमेंट्स कर रहे हो तो इसके बाद आपके पास राइट्स है, गुड्स आपके पास रहेंगे, पेमेंट किसी और बंदे के पास जाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि आप पेमेंट भी नहीं करोगे और गुड्स अपने पास रख लोगे, आपके पास राइट तब होगा कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो। राइट्स ऑफ दी जनरल लेन, जनरल लेन का मतलब होता है कि आपको पता है कि हाई कोर्ट जैसे पॉलिसी ब्रोकर हैं, आपको डायरेक्ट किसे बोला गया कि पैसे जो ब्रोकर के पास जाएंगे, तो आपके पास राइट है कि आप डायरेक्ट ओनर को पैसे नहीं दोगे, जो एजेंट बने हुए हैं उन्हीं को देने वाले, अगर कोर्ट की तरफ से जाना है तो कोर्ट को पैसे दोगे, आप किसी और बंदे को नहीं देते। कल वर्क बंदा ओनर आता ना कि भाई कोर्ट ने बोल दिया हो लेकिन पैसे मुझे दो, तो ये आपके पास राइट है एक लाइन का कि आप वो पैसे अपने पास रख सकते हैं, जो ब्रोकर है उसी को देंगे, सीधा डायरेक्ट आगे किसी को नहीं दे सकते। उसके बाद हमारे पास आता है राइट्स ऑफ द बेलर, बेलर के राइट्स क्या होंगे, मेन दो राइट्स ही उन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में बेली पर्सन गुड्स को मिसयूज करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, अपनी गुड्स को वापस ले आएगा। प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन मीन्स अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, चलते चलते कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को अभी वापस कर सकता है, अगर उसको लगता है कि जिस काम के लिए मैंने चीज़ दी थी वो बंदा उस काम के लिए नहीं लेके गया। अब एग्जाम्पल आपको बोले, आप बोले किसी बंदे को मैंने आपको कार दिया, बोले हमने शादी पे जाना, आप शादी तो गए नहीं, आप कहीं टूर पे निकल गए अपनी फैमिली लेके, मैं कभी भी जाके अपनी गाड़ी रास्ते से वापस लेके आ जाऊँ, चाहे आप रास्ते में खड़े रहो, क्योंकि आपने तो शादी बोला था भाई आप यहाँ घूमने चले जाओ, क्या पता लगा बाहर से नीचे लेके मिल रहे हैं गाड़ी को, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हम, हमारे हक हैं कि हम अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं अगर बंदा उसका मिस यूज़ करता है तो। राइट्स ऑफ बेली पहले भी पढ़े, फिर दोबारा फिर लिखे हैं उन्होंने, पॉइंट्स में बना दिए, अब वही राइट्स दोबारा हैं। फिर आते हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होता है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेट, जब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अकलिशमेंट ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस, जिस मकसद के लिए गुड्स आई थी अगर मकसद खत्म हो गया तो गुड्स हमें वापस करनी ही पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। बाय बेल एक्ट कंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द पेमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा नहीं होता, मीन्स कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन बताई गई है किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट पहले भी खत्म कर सकते हैं। ग्रेचुअस पेमेंट में भी टर्मिनेट एट द टाइम, जो आपकी ग्रेचुअस पेमेंट है, ग्रेचुअस पेमेंट समझते हैं जिसमें हम किसी बंदे को बेनिफिट हो रहा है या किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल बोला कि पैसे के प्रति किया गया कि आप मेरी गाड़ी रिपेयर करोगे मैं आपको पैसे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है। जिसको बंदे को बोला कि 5 दिन में रिपेयर कर दूंगा, अब 5 दिन में बंदा रिपेयर नहीं कर पा रहा हम अपनी गाड़ी वापस लेंगे, और बंदा मेरे से पैसे की डिमांड भी नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में उसका राइट टू रिटेन गुड्स क्या होता है, जिस बंदे के पास गुड्स आपको फाइंड हुई है, राइट्स आपके पास, जब आपको पता लगे कि एक्चुअल ओनर एक्सपायर हो चुका है तब आप गुड्स रख सकते हैं, अदरवाइज आप गुड्स नहीं रखते। आपको कोई बाहर से चलते फिरते कोई चीज़ मिल गई है और उस बंदे का हक लेने वाला जो पर्सन था वो नहीं अवेलेबल, तो आप गुड्स रख सकते हैं कि आप इसको यूज़ कर रहे थे, अदरवाइज आप कभी भी ऐसी गुड्स को अपने पास नहीं रख सकते हैं। ये था आपका टॉपिक बेलमेंट वाला। राइट टू सेल भी आपके पास अवेलेबल होता तब जब बंदा मर गया ओरिजिनल, तब आप सेल कर सकते हैं क्योंकि आपने उस चीज़ के पैसे बंदों को दिए हुए थे, लेकिन हाँ उसके आगे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं तब नहीं आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका टॉपिक बेलमेंट का जो हुआ खत्म। किसी को कोई पॉइंट लगता हो पूछने वाला तो देखिए।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फिर हम लोग कल ही कर लें, काफी लंबा। चलिए देखते हैं। हाँ जी बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी आज ही कर लें।